वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है। SBI PO प्री एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ ये एक मेमोरी बेस्ट DI सेट है, शानदार है और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप मॉक टेस्ट के रूप में इसे दें। आपको 4 मिनट का टाइम देता हूं, 4 मिनट्स में ये 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। आइए स्टार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहां पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। वंस अगेन वेलकम।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। इस डीआई में कई ऐसी चीजें हैं जिनको सीखने की जरूरत है और आपने उसे देखा होगा सॉल्व करते समय। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द ईयर 2013 इफ द ग्रोथ रेट इन टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम 2012 टू 13 वाज सेम एज दैट ऑफ 2011 टू 12। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये टेबल किसका है? ये टेबल 7 डिफरेंट ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड और टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इंक्लूडिंग मारुति है और नंबर ऑफ मारुति कार्स सोल्ड, यानी फर्स्ट वाला जो बार है मल्टीपल बार में, ये कार सोल्ड है टोटल नंबर, जिसमें मारुति भी शामिल है और मारुति का अलग से भी दिया हुआ है, जैसे कि 2006 में 2700। यानी इसको अगर इसमें से लेस कर देंगे तो अदर देन मारुति निकलेगा, क्योंकि ये टोटल नंबर है और 7 डिफरेंट इयर्स में है। डेटा को कैसे ऑपरेट करना है ये इस जीआई में बड़ा मायने रखता है। आइए बताता हूं, इसमें सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि क्या है, रेट सेम है। 2011 से 12 में जो रेट था टोटल नंबर ऑफ कार्स में अप्रोक्सीमेटली, तो 11 से 12 में जो रेट था वही 12 से 13 में होगा। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली में, नन ऑफ दिस नहीं होता, मतलब समझे? मतलब ये है कि 19,231 से 21,568 कितना परसेंट बढ़ा, इतना ही परसेंट इंक्रीज करेगा 2012 के 21,568 से आगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 19,231 है, तो हम इसे 19,000 है ना, तो 19,200 बोलते हैं। 1000 बोलने से एक्यूरेसी में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, 100 बोलने से एक्यूरेसी सही रहेगी। 19,200 से ये 215 बोलना चाह रहे हैं, 7 बोलते हैं, ठीक है, और ये 0.3 बोल सकते हैं, जरूरत नहीं। इससे जो ये चेंज आया है, इधर लिखता हूं 215.7, इसमें जो ये परसेंट चेंज आया है, यही परसेंट चेंज आना है, ये 2011 से 12 में जो चेंज आया है सेम चेंज है, तो 2013 में कितना होगा ये पूछा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हम लोग बोलते हैं इससे कितना इंक्रीज हुआ, हंड्रेड में बोलते हैं, हंड्रेड में एक्यूरेसी रहेगी। तो देखते हैं 8 and 15, 23.4, ये जो इंक्रीज हुआ है ये 23.4 इंक्रीज हुआ है। 23.4 को क्या बोलते हैं, आइए बताता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो 10% 19.2 होता है, देखिए 19.2 का मतलब 10% होता है, तो 19.2 अगर हो गया 10% तो उससे कितना ज्यादा बचा, 4.2 को क्या बोलेंगे, करेक्ट 2%, देखिए 2% से स्लाइट अबव, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2% से स्लाइट अबव। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 12% का इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा, कैलकुलेशन के समय में ध्यान रख लेंगे। तो यहां से भी 12% का ये कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 12%। 12% किसको बोलते हैं, कुछ नहीं, आइए बताता हूं। 10% कितना है, देखिए 10% कितना है, 21.57 है ना, इसको 6 बोलते हैं, 21.6 बोलते हैं, यानी 21.6 बोलते हैं ये 10%। और 2% कितना है, इसको 4.3 बोलते हैं, 4.3 बोलते हैं, इतना ही इंक्रीज हुआ इनका। इतना इंक्रीज होने का मतलब 25.9 बढ़ा, यानी यहां पर 12% का मतलब क्या हुआ, 25.9, इसी को ऐड कीजिए तो आंसर है।
0.1 इसे दे दीजिए, 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये वाला यहां से 0.1, 26 का मतलब क्या हुआ, 26 और 5 241.6, ये 100 हुआ, यानी 241.6 इसके आसपास 241.6 देखिए है ना, मतलब 24,000, मतलब 1000 के रूप में क्या हुआ 24.16,000, ऐसे बोलेंगे 1000, ये 100 है 1000, तो 24.1 यहां तक तो सही है ना, देखी गई है 24.1, देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये एसबीआई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ये समझ गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मारुति कार सोल्ड टू द नंबर ऑफ टोटल कार सोल्ड वाज द लोएस्ट, मतलब रेशियो मारुति बाय टोटल, मारुति बाय टोटल, मारुति बाय टोटल, क्वेश्चन का यहां तक सवाल है 2700 बाय 15,226, 3,350 बाय 1,600 या 12,649, ऐसे करके जो फ्रैक्शंस बनेंगे उनमें सबसे छोटा कौन है, स्मॉलर कौन है, कहने का मतलब ये कि ये जो 27 और 00 है इसका जो रेशियो बनता है 155,126, ये तो क्या है, ये रेशियो स्मॉलर होगा यदि परसेंट स्मॉलर होगा, ये कितना परसेंट है, देखिए तो 20% से कम है, दिस इज लेस देन 20%, 10% कितना है 1552 करें तो 3100, 20% से कम है और हर साल देखिए 20% से ज्यादा है, देखिए इसका 10% कितना हुआ 1264, उसका डबल से ज्यादा है, देखिए 1200 2500 से ज्यादा है, देखिए इसका देखिए 20% 1400 मान लीजिए 2800 से ज्यादा है, हर जगह 20% से ज्यादा है, सिर्फ यहीं पर 20% से कम है, इसलिए 2006 इज द आंसर, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर, व्हाट वाज द एप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड अदर देन मारुति कार्स इन अ ईयर टेकिंग द डेटा ऑफ द ईयर्स टुगेदर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एप्रोक्सीमेट भी है ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड अदर देन मारुति कार, इसका मतलब टोटल नंबर में से मारुति का नंबर लेस कर दें तो जो बचेगा वो अदर देन मारुति होगा, हर जगह लेस करने के बाद जो आएगा उनका एवरेज लेना है, अप्रोक्सीमेटली लेना है, बड़ा मजेदार है, सुनिए मैं बताता हूं, हम लोग डेटा को हंड्रेड्स के रूप में देखते हैं ठीक है, यानी हमें दिखता है 1,5500, हमें दिखता है 2700, बाकी जो वैल्यू है उसको अप्रोक्सीमेटली अलग से बात कर लेंगे, 50 वगैरह के आसपास है तो देख लेंगे, तो हम डेटा को देखते हैं कि ये 1,5500 है ठीक है और ये 2700 है, तो आप जरा देखिए अगर आपने ढंग से बनाया तो तुरंत आंसर हो जाएगा, 155 में 27 लेस करेंगे तो 1,2800 बचेगा, चलिए थोड़ा सा 0.3 लिख देते हैं, 0.26 है ना उसको 0.3 लिख देते हैं ठीक है, इतना बचा, वो बाद में देखेंगे कहीं शायद जरूरत पड़े, अदरवाइज हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, 3350 है 1,2600 है, देखिए तो 33 से 1,26 कितना ज्यादा है, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग बोले 50 तो छोड़ दीजिए, ये 33 जब लेस करने जाएंगे तो पहले बोलेंगे 26 हटाइए ना, 700 और हटाना है, अरे छोड़िए ना बाद में ले लूंगा,
100 का नोट बड़ा अच्छा होता है, अपने पास रखिए। ये समझ में आ रहा है? सुनिए पहले मैं क्या कह रहा हूं। 126 है ना, 0.5 टाइप का, और ये 33.5। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये काम मैं बार बार करने वाला हूं। कहता हूं अरे इसको छोड़िए ना, इसको छोड़िए ना, ऐसा करते हैं कि 100 आप अपने पास रखिए, ये जो 26 है ना ये मुझे दे दीजिए ना, 700 बचेगा बाद में दूंगा। आया समझ में? क्यों? 100 बड़ा सुंदर नंबर है, उसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, समझ गए? अब इस काम को मैं लिखूंगा नहीं बार बार। 100 के रूप में देखिए 4500, ये 50 तो कैंसिल हो गया, 45 है, 139 है। बोले अरे 100 रखिए ना पास में, फिलहाल 39 दे दीजिए, 600 बाद में दीजिएगा ना, 6 बाद में दीजिएगा ना। फिर देखिए 60 है ना, 53 है, 100 रखिए ना, 7 बाद में दीजिएगा ना, बाद में दीजिएगा, ठीक है, 0.1 है, बाद के लिए छोड़ दीजिए, कुछ खास नहीं है हमारे। 6800 है ना, 71, अच्छा ठीक है, 103 बचा, ओके ठीक है, 68 है, इसके बाद 72 है ना, तो 120.3 बचा, बोली बचा अदर देन मारुति, और 99 है ना, तो 200 है, तो 116.7 रखिए ऐसे, यही अदर देन मारुति कार्स हैं, इनका एवरेज लेना है, 100 ले लिया। देखिए ये समझ में आया? बोले ये 7, 7, 14, 6, 20 होता है, कंसल्ट, लेट द एवरेज इज 100, 100 को हाथ नहीं लगाना है। हमारे पास 16.7 है, इसको ले लिया तो 17 हो गया, इसको ले लिया 20 हो गया, और ये 48.4 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7×7=49 बोलते हैं, थोड़ा लेस, यानी 100 तो हमने पहले दिया ही था, 7 से थोड़ा लेस, 107 से थोड़ा लेस हमारा वैल्यू हुआ, इससे थोड़ा लेस, 107, 100 का मतलब हुआ 10,700 से थोड़ा कम, 10,700 से थोड़ा कम। This is the best approach. कोई और मेथड इसका मुकाबला नहीं कर सकता, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। डेटा को देखने की नजर चाहिए, कभी हम 1000 के रूप में देखते हैं, कभी हम 100 के रूप में देखते हैं, यहां पर डेटा को 100 के रूप में देखिए, एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और जल्दी आप बना भी पाएंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसके बाद आइए नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मारुति कार्स सोल्ड इन द ईयर 2007-8-9 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कार्स सोल्ड इन द ईयर 2006-7-9-11-12। फिर एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, आपको डेटा को ढंग से ऑपरेट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, हम लोग डेटा को हंड्रेड्स के रूप में देखना पसंद करेंगे। 2007-7-8-9 में आप 60 एंड 40 को 100 बोलिए, और ये 550 एंड 3350, तो 33 एंड 600, 39 यानी 1,3900 ऐसे बोलते हैं, नहीं समझे? इस तीनों को लेना है ना, तो 60, 100 और 40, 100 को तो 100 बोलिए, मतलब 6,4-10,000 बोलिए, 550 और 3350, तो ये हो गया 3900। ये मारुति कार है, और टोटल नंबर ऑफ कार्स इन 6, 7, 9, 11, 12, यानी 8 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, 8 और 10 नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। हम लोग डेटा को कैसे देखते हैं मैं थोड़ा बताता हूं, सुनिए। वहां पर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यहां आपको दिखाऊं। 15526 लेना है, 12649 वाला लेना है, 15313 वाला लेना है, और 19231 वाला लेना है, और 21568 लेना है, यही लेना है।
देखिए कैसे लेते हैं हम लोग, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर काफी है। मैं समझाना चाहता हूं, हमारा कहना है हम लोग हंड्रेड्स के रूप में लेते हैं, तो हमें डेटा कुछ ऐसा दिखता है, हमें कुछ ऐसा दिखता है, डेसिमल के बाद नहीं दिखता, जस्ट इग्नोर। हम लोग को क्या करना है उसका, उसका हमको सम लेना है, सम लेना है, टोटल नंबर लेना है। तो हम लोग बोलते हैं कि 215 है ना, और ये वाला मिलके 116, तो 8 इसे दे देते हैं, तो 8 बच गया। 8 बच गया तो क्या ये 400 ना हो गया, ये वाला वैल्यू, और 8 हमारे पास है। मेरा कहना है ये 150 और 150 क्या 300 ना हुआ, हटा दीजिए, और हमारे पास 8 और देखिए ये सब को मिला के 1, 8 और 1 9, 9 और 5 और 3 8, 1700 हुआ कि नहीं, 17 इसे दे दीजिए, 17 इसे दे दीजिए, बाकी सब मिला के तो 143 हुआ कि नहीं, कुल मिला के 843 हुआ कि नहीं, ऐसे सम करना है। और बोलेंगे कि ये इसका कितना परसेंट है, आराम से बोलेंगे 10% 84.3 है, 84.3 से ज्यादा है, 20 तो है नहीं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर ये 20% होता तो क्या होता, तो ये 168 या 169 होता, 169 होता तो हम लोग बोलते 20%। जल्दी बोलिए, करीब करीब, पर ये कितना कम है 169 से, 30 लेस है। 30 को क्या बोलते हैं, बोले कुछ नहीं बोलते, करीब करीब 4% से भी कम बोलते हैं, 3 point something बोलते हैं, करीब करीब 3% के आसपास बोलते हैं, लेस कर देंगे तो क्या 17% नहीं बोलते हैं, बोले 17% नहीं बोलते हैं, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये 100% मान करके बात हो रही है कि इसका परसेंट क्या होगा, ये हमें निकालना है, हमने ऐसे निकाला 20% लिया और फिर कहा 3% करीब कम है, देखिए देखिए, तो ये 139 होगा कि नहीं, ये प्रॉक्स। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर देखिए क्या है, द नंबर ऑफ कार सोल्ड अदर देन दैट ऑफ मारुति इन 2011 इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2006। तो मारुति का को छोड़ करके जो 2011 में है, तो हम लोग देखे थे 7200, जैसे ही हटाते हैं 120.31 होता है, 120.3 होता है, इसी का परसेंटेज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2006। टोटल नंबर कितना है 155.26 है, इसको भी 3 रखते हैं, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है क्या बोलते हैं, कितना परसेंट लेस है बोलते हैं ना, कितना परसेंट लेस है बोलते हैं, बाद में लेस कर देंगे, तो ये कितना कम है, कितने का डिफरेंस है, 35 कम है, 35 को क्या बोलते हैं, तो देखिए 155.3 है ना, इसे हम 100% बोलते हैं, तो 15.53 को 10% बोलेंगे कि नहीं, तो हमें तो दिखता है कि 31 अगर हो करीब करीब तो इसको 20% बोलेंगे, ये 35 है, हम जानते हैं कि 1.55 यहां 10 है ना 1, इसको हम लोग 1% बोलते हैं। आप मुझे बताइए 31 का मतलब अगर 20% है तो बाकी रहा 4 करीब करीब 3% के आसपास है कि नहीं, 3 से थोड़ा कम है कि नहीं, 2.8 समझ लीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं 2.8 समझ लीजिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 22.8% लाइक दैट, और ये कम है तो 22.8% कम है तो 77.2% करीब है कि नहीं, तो 77.2% मतलब इज द आंसर, आंसर अप्रोक्सीमेटली बताना था 77% आंसर। मुझे उम्मीद है कि इस डीआई में आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा जो आगे आने वाले समय में किसी भी एग्जाम के किसी भी डीआई में
आपको बहुत मदद पहुंचाने वाला है। ये SBI PO का आया हुआ क्वेश्चन सेट है, मेमोरी बेस्ड है, और आप जानते हैं मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। ऑल द बेस्ट।